आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरी सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी रहना न पड़े, पूरे विश्वास के साथ वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें। इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ आरोप लगाने की फैशन है, लेकिन कुछ आरोप ऐसे उसके जवाब घटनाएं खुद दे देती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान के जो आंकड़े हैं वो पिछले चार दशक के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं, और इसको सिर्फ कोई घर से गया बटन दबा के आया इतना नहीं है, भारत के संविधान को स्वीकृति देते हैं, भारत के लोकतंत्र को स्वीकृति देते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वीकृति देते हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है आदरणीय सभापति। देशवासी जिस पल की प्रतीक्षा करते थे वो आज इतनी सहज सरलता के सामने दिख रही है। आदरणीय सभापति, बीते अनेक दशकों में बंद, हड़ताल, आतंकी धमकियां, इधर उधर बम धमाके की कोशिशें एक प्रकार से लोकतंत्र पर ग्रहण बनी हुई थी। आज इस बार लोगों ने संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है। मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आदरणीय सभापति, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी व्यूहरचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते 10 वर्षों में पहले की तुलना में आतंकी घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरें भी शायद ही किसी कोने में एक आध बार आ जाए तो आ जाए। अब जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है और इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारी मदद कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। ये सबसे जरा विश्वास पैदा करने वाली बात है। आज वहां टूरिज्म नए रिकॉर्ड बना रहा है, निवेश बढ़ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आज जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठाते हैं, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ के रखा, क्योंकि उनकी जो चुनावी हिसाब किताब होता है, नॉर्थ ईस्ट से इतनी ही लोकसभा की सीटें हैं, क्या उससे राजनीति में फर्क पड़ता है?
कभी कोई परवाही नहीं की, उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था। हमने हम नॉर्थ ईस्ट को आज देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की ओर ताकत से लगे। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज्म और कल्चरल कनेक्टिविटी उसका गेटवे बन रहा है। और ये जो कहते हैं ना 21वीं सदी भारत की सदी, उसमें ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये हमें स्वीकार करना है। आदरणीय सभापति जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष में जो काम किया है, और अगर पुराने कांग्रेस के हिसाब से साथ उसको अगर तुलना कर दी जाए, हमने जितना काम 5 साल में किया है, इतना अगर उनको करना होता ना तो कम से कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती। हमने इतना तेजी से काम किया है। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी उसके विकास का मूलभूत आधार है, उसको हमने प्राथमिकता दी है। और आज भूतकाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई गुना आगे हम निकल चुके हैं और हमने उसको करके दिखाया है। आदरणीय सभापति, नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए 10 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए हैं, बिना रुके बिना थके, हरेक को विश्वास में लेते हुए में प्रयास किए गए हैं। और उसकी चर्चा कम हुई है देश में, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आजादी से अब तक निरंतर चलता रहा है। हमने राज्यों को साथ बिठा करके सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं, एक के बाद एक अकॉर्ड करते करते जा रहे हैं। रिकॉर्डेड है, सहमति की रिकॉर्ड है, और उसके लिए जो सीमाओं में किसी को उधर जाना है, किसी को यहां आना है, कहीं रेखा यहां बनानी, कहीं रेखा वहां, वो सारे काम कर चुके हैं। आदरणीय सभापति, ये नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहां लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड रहकर लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून खराबा होता रहता था, आज उनको साथ लेकर के स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं, जो गंभीर गुनाह के अंदर हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के गवर्नमेंट की रचना पे भरोसा करना, ये इसमें से अनुभव होता है और आज हो रहा है।